थोड़ा दिक्कत दे सकती है कॉर्टेस के पास, उनका अल्टीमेट आ चुका था अंदर घुसने की कोशिश है। रियो ने एक प्लेयर को पिक किया जो कि फ्लैबन है, मतलब कंट्रोलर गया। बैटलब को डैमेज नैनो स्वॉर्म से बहुत ज्यादा पड़ चुका है, जिसका फायदा वो या उठा करके वो पेपन भी उठा लेंगे। टेक्स अनदर वन, व्हाट इज हैपनिंग, आर दे एक्चुअली सीइंग हिम और नॉट? ओमेन चले गए कॉर्टेस, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं था कि सीक्रेट में कोई प्लेयर था। वेंगा जो लगता है देखने वाले हैं डेडली। ओह द शॉट्स वर मिस फ्रॉम बैटलब एज़ वेल, लेकिन अब नहीं, और अब मिड पे दिक्कतें हो सकती हैं। बट डिफेंडर स्ट्रेस इंपैक्ट दो प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं, नहीं रहती है बाकी प्लेयर्स का उतना सही नहीं रह पाता है। वेपन बदलने की कोशिश चाकू से, और वो करी गई ट्रेस ने एक अच्छा पिक निकाला भी करे उसको पार्टनर को। अभी वेंगा काफी तेजी से आगे गए थे और उसी तेजी से बाहर जाकर के बैठ चुके हैं, लेकिन ये एक को पिक, दूसरे को पिक, और यहीं पे राउंड हार चुके हैं रेकनिंग इंस्टेंट। यहीं पे वो जो गलत दिशा में देख रहे हैं, नाउ इट कम्स डाउन टू वेंका। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, स्पॉट्स 2 points टू इन द कोलैटरल, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड द राउंड माइट बी। अगर गया तो आपको पता है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके हाथ से जाती नजर आएगी। पिछले राउंड में सही था सब, लेकिन इस राउंड में आखिरी खिलाड़ी बचे, टेल विंड भी नहीं है, जल्दी नहीं निकल पाएंगे। इनफैक्ट डेडली विद अ 4k बैंडल उन्होंने भी उठा लिया है। अंदर जाएंगे खिलाड़ी, लेकिन पिक किया जाएगा, एक आखिरी खिलाड़ी है वेंका, कितनों से लड़ेंगे? 4 frags निकले, बट लुक एट दैट, ही विल हैव टू गो फॉर इट। टाइम निकालने की कोशिश होगी, हाफ डिफ्यूज हुआ है, 70 HP विल ही गो फॉर इट, मोस्ट पिट, बट ही इज गोइंग फॉर इट, ट्राइंग टू स्टिक, बट पीछे हटेंगे, हाफ डिफ्यूज इज डन, वेंका विद द एस, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट, बट द टाइम, ओह ही गेट्स इट, वेंका Andrio, who doesn't do anything in this situation as Reckoning takes it, 13-8, and yes, good. Let's see, क्या होता है जब Reckoning तैयार होता है? सारे खिलाड़ी एकदम से आए जरूर, लेकिन फायदा उठाया MLT ने, और ये अच्छा फायदा है, ये बहुत बेहतरीन फायदा है, शुरू होते ही खत्म करने वाला फायदा है, लेकिन देखने को मिल जरूर रही है, ये शॉट तो मैक्सिमम टेढ़े मेढ़े गए, 13 HP पर छोड़ा है Knight Rider, picking up the pieces as well. It's just Flappin, जो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, एक को pick करेंगे, but Battle of is going for the defuse. And we see the Hunter's Fury pickers, Rio is there, and bye bye to Rio. ये बोलती नजर आएगी टीम, एक एक करके प्लेयर्स को और पिक किया जा रहा है ये, और तीन खिलाड़ी एक ही राउंड देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ फेक जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। Hunter's Fury Rio की तरफ से जाता है, जिस प्लेयर को रेस्ट मिला उनको ही पिक किया गया, बट ही फाइंड्स अनदर वन डेडली, क्योंकि वो सेकंड वाली हंटर स्वीरी के अंदर पकड़े गए थे। बाकी काम स्वीप करने की कोशिश MLT की तरफ से, नाइस राइडर शेफ प्लेयर्स की, बट आप देखिए ट्री से कितना ज्यादा आगे पहुंचे वेंका, इस बार तो रुके रहे और वो को पनिश किया है, राउंड यही पिक करते हैं। वेंका इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, ही इज स्पॉटेड, ही इज सीन, ही इज आउट देयर, इंस्टेंटली मूव करके गो करेंगे, बट दिस इज वेयर ही लेफ्ट टू कंप्लीट डिफ्यूज, चल रहा है, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। हमने बात करी थी कि ये क्यों होगा, लेकिन यही देखने को मिलता है। इनफैक्ट इनको मिला था सिर्फ सेज का, बोलेंगे ऑलराइट व्हाटएवर आई सेड, आई थिंक डेडली जस्ट टेक्स इट एंड थ्रोस इट आउट द विंडो। मिड पुश किया कैटवॉक, अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स अवे, स्पॉट्स वन टेक्स वन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, द डिफेंडर्स आर ऑन द रोल, डेडली विद अ 3k, बट रियो उन्होंने भी दो प्लेयर्स पिक किए हैं, द रेजरेक्शन, बट डेडली ऑन द अदर साइड, रियो ओ माय गॉड, डेडली को रेजरेक्शन दिया था बट रियो, लेकिन अगर ट्री पर गए तो यहीं पर खिलाड़ी गेम खत्म हो सकता है। ही इज गोइंग विद द नाइफ, ही इज गोइंग विद द नाइफ, एंड दैट इज द रीजन Reckoning takes one, get out those guns, and Flappin gets it